ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडी लोकसभा हलके के कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने किन्नौर के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रचार के दौरान उनके साथ रामपुर के विधायक नंदलाल भी मौजूद रहे। आश्रय शर्मा ने कहा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा पिछले 5 वर्षों में ना तो जनता के बीच गए और ना ही उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और ना ही हलके की आवाज को लोकसभा में उठाया। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में आयकर रिटर्न तक नहीं भरा। ऐसे में जनता जान चुकी है कि मंडी हलके से लोकसभा के लिए किसे भेजना है। मंडी लोकसभा हलके के कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने किन्नौर के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार किया। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उनके साथ रामपुर के विधायक नंदलाल भी मौजूद रहे। आश्रय शर्मा ने कहा कि सांसद रामस्वरूप शर्मा पिछले 5 सालों में ना तो जनता के बीच रहे, ना ही लोगों की समस्याओं को सुना और उनको हल करवाने के लिए कभी भी लोकसभा में पैरवी नहीं की। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि पिछले 4 वर्षों तक उन्होंने आयकर रिटर्न तक नहीं भरा। ऐसे में जनता जान चुकी है कि मंडी हलके से लोकसभा के लिए किसे भेजना चाहिए। उन्होंने जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का प्रदेश के विकास में अहम योगदान रहा है। उन्हीं के प्रयासों से प्रदेश का नक्शा भी बदला है। आश्रय ने कहा कि लोकसभा के लिए ऐसे नेता को भेजें जिसमें काम करने और उनके दुख दर्द समझने की झील हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कैसा विकास हो, विजन लेकर आगे बढ़ने वाला प्रत्याशी ही लोकसभा में जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर चुनावी शंखनाद बज चुका है, वो समय आ चुका है जब हम ये सुनिश्चित करते हैं कि कौन सा प्रत्याशी होगा हमारा जो दिल्ली के दरबार तक पहुंचेगा, कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो केंद्र सरकार के समक्ष हमारी मांगों पर रखेगा। विकास दादाजी हैं, आप कई बार आपके बीच में भी आए हैं क्योंकि मंडी संसदीय क्षेत्र से कई बार चुनाव लड़ा उन्होंने, केंद्र तक पहुंचे और मैं समझता हूं कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान हिमाचल और प्रदेश है कि 9000 की हाइट के हो या 10000 की हाइट के हो फिर भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये जो देन है पंडित सुखराम जी की देन। इस दौरान रामपुर के विधायक नंदलाल ने बताया कि इस बार लोकसभा क्षेत्र के सांसद से लोग खफा हैं। ऐसे में रामपुर में कांग्रेस को पिछली बार से अधिक बढ़त मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी का यह गृह क्षेत्र है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मतलब कांग्रेस को यहाँ से बढ़त ना मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम जो वोट मांग रहे हैं विकास के नाम पर मांग रहे हैं और जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब से हम जो है अपना ये इलेक्शन जीतेंगे, ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं। और जो अगर उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूँ, अपने जो सांसद रहे अपना रामस्वरूप जी, अब हमें तो मालूम भी नहीं है कि वो कभी यहाँ आते होंगे या कुछ इन्होंने आए नहीं। अच्छा, उनका हमारे मतलब होना ना होना कोई मतलब नहीं रखता है, इसलिए अब लोगों ने मन बना लिया है कि अपना जो कैंडिडेट है आश्रय शर्मा जी, उनको हमने काम आया बनाना है। देखो आपको बता दूँ, पिछली बार भी जब पूरी हालत अच्छी नहीं थी तब भी रामपुर के लोगों ने 13,000 की लीड से अपने प्रत्याशी को, जो कैंडिडेट थे हमारे, उनको बढ़त दिलाई है। तो इस बार हमारा पूरा यकीन है कि यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से आश्रय शर्मा जी को बढ़त में, लीड में जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ये भी हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे।